हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो मेरा बाइक है उसका जो शॉक गार्ड है वो टूट गया है, तो उसको आज रिपेयरिंग का वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को यूट्यूब भी शेयर कराऊंगा। तो गाइस देखो, ये है शॉक एब्जॉर्बर जो कि टूट गया है, तो उसको रिपेयरिंग करवाने का जो सर्विसिंग करवाने का वीडियो मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ। साथ ही साथ गाइस, ये जो मेरा बाइक है 5 ईयर ओल्ड हो चुका है, तो उसको मैं अभी सर्विस सेंटर में जाके रिपेयरिंग करवाऊँगा। गाइस अभी हम लोग को उदयपुर जा रहा है, उदयपुर जाके है ना आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा जो बाइक है ख़राब हो चुका है, तो उसको बनाना पड़ेगा, सॉकेट चला गया है उसका, तो इसलिए हम लोग अभी उदयपुर में जा रहा है। मैं रूट में आप लोग को दिखाऊंगा जाते वक्त, चलो। तो गाइस अभी हम लोग मेन रूट पे आ चुका है, क्योंकि मेरा जो शॉक एब्जॉर्बर थोड़ा सा ख़राब था, उसकी वजह से मैं जो कच्चे रास्ते पे आप लोग को वीडियो बना के नहीं देखा पाया। तो ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उदयपुर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये ऑफिस है यहाँ पर। तो गाइस अभी हम लोग इधर से जा रहा है, तो सामने आप लोग को मंदिर भी देखने को मिलेगा। गाइस ये जो सामने का मंदिर है, पहले तो यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर हुआ करता था, तो अभी शिव जी का मंदिर बना के यहाँ पर स्टैचू बना दिया गया है। तो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, ये रहा शिव जी का स्टैचू या फिर मूर्ति प्रतिमा यहाँ पर बनाया गया है। मैंने प्रणाम किया है, प्रणाम करके अभी हम सामने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि गाइस जो मेरा ये जो बाइक है पिछले 5 ईयर से है ना मैं चल रहा था, अचानक है ना शॉक एब्जॉर्बर वो टूट गया है, जिसके कारण है ना बहुत मुझे दिक्कतें उठानी पड़ गई थे। तो गाइस एक्चुअली कच्चा रास्ता पे है ना मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत ट्राई किया था, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया। तो गाइस उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए मातारबारी पे आ चुका है, ये है माँ त्रिपुरसुंदरी का मंदिर जो अभी मैं रूट से आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि अंदर अभी घुसने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए जस्ट मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही हम लोग का जो काम कंप्लीट होगा तो आते वक्त आप लोग को मैं इसका शेयर कराऊँगा। ये है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, आप लोग को दिखा रहा हूँ। गाइस बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी हम उदयपुर का मेन टाउन की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सामने की ओर आप लोग को व्यू से भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर गैस के लिए बहुत सारा कार यहाँ पर खड़ा हुआ है। अभी जो हम लोग आ चुका है ये है ब्रह्माबारी, ब्रह्माबारी रोड में हम लोग ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर व्यू सी पे आ चुका है। तो गाइस जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचते आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस देखो सामने TVS का जो शोरूम है वहाँ पर आप लोग को ये भी दिखाऊंगा। पहले हम लोग ने डिसाइड किया है कि पहले हम लोग TVS शोरूम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर है ना जो शॉक एब्जॉर्बर है एक्चुअली बहुत उसका प्राइस हाई है। तो अभी हम लोग लोकल जो जो शॉप है पहले वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद हम लोग उसका प्राइस देखेंगे। प्राइस देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो हम लोग बाहर में ही उसको लगा लेंगे। ये रहा TVS का शोरूम। गाइस यहाँ से मैंने बाइक ख़रीदा था, अपना बाइक 5 ईयर हो चुका है। तो अभी हम लोग लोकल मार्केट में जाएंगे, लोकल मार्केट में जाके या फिर लोकल शॉप में जाएंगे, ताकि है ना जो हम लोग का बाइक का जो स्पेयर पार्ट होता है ना उसको हम लोग पहले देखेंगे शॉक एब्जॉर्बर मिलता है कि नहीं। तो जैसे शॉक एब्जॉर्बर मिलता है तो हम लोग वहाँ पर ही लगा लेंगे, क्योंकि जो शोरूम में है ना ज़्यादा कीमत में हम लोग को ख़रीदना पड़ता है, लगाना पड़ता है। क्योंकि मैंने जैसे ही शोरूम पे इसके बारे में पूछा, तो गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने ऑनलाइन में जैसे ही देखा तो वहाँ पर 2900 रुपीज़ दिखा रहा था, और शोरूम में जाके जैसे मैंने पूछा तो 6000 मुझे मांग रहा था, तो मुझे ज़्यादा लग गया। ठीक है ना, तो इस वजह से हम लोग ने डिसाइड किया है पहले हम लोग जाएँगे जाके जो लोकल शॉप है वहाँ पर जाएंगे, जाके हम लोग पूछेंगे उसका प्राइस कितना है, अगर अच्छा रहा तो हम लोग खरीद लेंगे, नहीं तो हम लोग के पास कोई चारा नहीं रहेगा, तो हम लोग शॉप में जो TVS सर्विस सेंटर है उसमें जाके हम लोग को काम करवाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग लोकल जो वहाँ पर शॉप रहता है ना TVS का सर्विसिंग शॉप, वहाँ पर हम लोग आया है। आने के बाद भाई साहब को मैंने पूछा कि जो शॉक ऑब्जर्वर आप लोग के पास है कि नहीं, तो उस लोग ने बताया कि उन लोग के पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग के पास और कोई चारा नहीं है, तो इसलिए हम लोग अभी सर्विसिंग जो TVS का सर्विसिंग सेंटर है ना वह उसकी ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइस ऑलरेडी TVS का शोरूम में हम लोग पहुंच चुका है, तो अभी हम लोग एंट्री करने वाला है।
ये रहा टीवीएस शोरूम का सर्विस सेंटर। तो गाइस पहले तो दुकान के पास ही शोरूम हुआ करता था, लेकिन अभी है ना अलग तरीके से लेके आया है। तो गाइस ये रहा, देख लो आप लोग, यहाँ पर बाइक सर्विसिंग सेंटर करवा रहे हैं। मेरे भाई बाइक को देख रहा है, और गाइस यहाँ पर ही मैंने लेके आया है, क्योंकि जो बाहर है ना, बाहर मुझे ये नहीं मिला था। तो गाइस ये रहा मेरा बाइक, 5 ईयर ओल्ड हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम लोग इसका जो स्पेयर पार्ट को हम उसको लगाने जा रहा है ऑलरेडी। गाइस मैंने जो उसका पार्ट है उसको मैंने ख़रीद लिया है, 6,000 मुझे पे करना पड़ा। तो गाइस 6,000 पे करने के बाद उन लोगों ने अभी लगाना शुरू कर दिया है, तो वो लोग लगाने जा रहा है। पहले तो उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वो लोग लगाएंगे। गाइस मुझे बहुत उसका पेमेंट भरना पड़ा, 6,000 ऑलरेडी ऑलमोस्ट भरना पड़ा इसका पेमेंट। বাইরে বেটারটা একটু চার্জ দিয়ে দিলে না ভালো হইতো, বুঝছো না। तो गाइस साथ ही साथ मैंने ये टीवीएस का जो मैकेनिक है उसको मैंने बोला कि जो मेरा बाइक है उसको सास करवा के देने के लिए, क्योंकि मेरा जो वह बाइक का सास या फिर बैटरी है ना ख़राब होने के कारण है ना सेल्फ स्टार्ट नहीं ले रही थी। तो मैंने उसको बोला था कि सास देने के लिए, लेकिन गाइस क्या करे, ये बंदा है ना सास देने को राज़ी नहीं। टीवीएस का यही ख़राब है, जिस चीज़ का पैसा दे रहा है ना वही बना के दे रहा है। मैंने उसको चेन भी टाइट करने के लिए बोला, लेकिन चेन भी टाइट करके नहीं दे रहा है। दैट्स मीन क्या है, उसका मतलब ये है कि जस जो पैसा भरा गया है उसका ही काम करेंगे, दूसरा काम वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। चार्ज भी ज़्यादा ज़्यादा लेता है गाइस। जैसे ही मैंने ये बाइक ख़रीदा ना, मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि इसका हार्ड पार्ट है ना मुझे इतना महंगा महंगा पड़ता है। जो भी चीज़ ख़राब होता है ना उसको लगाने के लिए जाओ तो ज़्यादा पेमेंट ले लेता है, या तो कंपनी वाले ले लेता है या फिर ये लोग ले लेता है, ठीक है ना। तो गाइस अभी हम लोग, जैसे ही मेरा जो सॉकेट का काम पूरा हुआ, हम लोग है ना मटर बारी पे आ चुका है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये रहा मटर बारी। तो अभी मैं वहाँ पर जाऊँगा, जाके मुँह दूँगा, क्योंकि गाइस मेरा हाथ वगैरह है ना गंदा हो चुका है। यहाँ पर हम लोग है ना टिफिन करने जा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर अपना हाथ धोएंगे, और आप लोग देख पा रहे होंगे मैं अपना फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। गाइस मेरा जो फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत साल हो चुका है, मेरा मोबाइल भी 5 ईयर ओल्ड हो चुका है। बाइक के साथ साथ मेरा जो मोबाइल है ना वो भी 5 ईयर हो चुका है। तो अभी रियर कैमरा से मैं कैप्चर कर रहा हूँ। तो गाइस ये नज़ारा देखो, रियर कैमरा का जो नज़ारा वो अच्छा है। तो गाइस देखो मैं रियर कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना हाथ पैर है ना धोने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा हाथ है ना वो गंदा हो चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे मैं गंदा हो चुका है, क्योंकि हम लोग टिफिन भी करने वाला है, क्योंकि हम लोग थक चुका है। तो ऑलरेडी हम लोग धीरे धीरे आगे आगे की ओर बढ़ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग खाने के लिए जा रहा है, ये वहाँ पर एक टिफिन करने के लिए रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग दुकान पर जाएंगे, दुकान कह लें या फिर रेस्टोरेंट, क्योंकि लोकल में हम लोग उसको दुकान ही कहेंगे, रेस्टोरेंट नहीं कहेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुका है, आने के बाद हम लोग को पराठा दिया गया है। हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर आके खाते हैं, क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं मिलता। तो गाइस देखो बाहर भी खा सकता था, लेकिन यहाँ पर माँ के दर्शन करते करते हम लोग मंगवा लिया है। ये है रहा पराठा, और ये सब्जी दाल का सब्जी हम लोग को 20 रुपया पड़ा। ये भाई तो खा लिया है, अच्छा होंगे, क्योंकि गाइस उस दिन जब हम लोग आया था इतना गर्म वाला नहीं पराठा मिला था। तो उसके बाद नेक्स्ट में जैसे ही हम लोग मंगवाया तब जाके है ना हम लोगों को है ना गर्मी गर्मी पराठा मिला। तो जैसे हम लोग पराठा खा लिया, उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर की ओर। तो गाइस देख लो ये रहा उदयपुर मातरवारी का सीन, आप लोग को यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, कार वगैरह नज़र आ रही होंगी। तो गाइस अभी हम लोग घर की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी शाम भी ढलने को हो चुका है, अब घड़ी घड़ी का टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हम लोग सुबह में निकला था, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है। हम लोग का जो बाइक वगैरह वो भी रिपेयरिंग हो चुका है। गाइस अभी शॉर्ट स्टेबल हो चुका है, क्योंकि जो एब्जॉर्बर है बाइक का वो ठीक हो चुका है, जिसके कारण है ना अभी जो मेरा वीडियो है ना वो स्टेबल हो चुका है। तो अभी कोई डरने की बात नहीं, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग भी आइए, मातरवारी दर्शन दर्शन कीजिएगा, यहाँ पर माँ का चरण को आप लोग
प्रणाम कीजिएगा आके, ठीक है। अभी देखो गाइस, अभी चैत्र मास भी चल रहा है, तो चैत्र मास में है ना, अभी यहाँ पर पार्वती महादेव का लीला चल रहा है, आप लोग को लीला नज़र आ रहेंगे। और ये बंदा भी घोड़ा भी चढ़ के आ गया। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा घूम के उसके बाद हम लोग घर की ओर रवाना दे दूँगी। तो गाइस अभी मेरे भाई ने बोला थोड़ा उधर जाके आएंगे, तो मैंने बोला ठीक है चलो उधर जाके आएंगे चलो ठीक है। तो इसी सिलसिले में हम लोग ने अपना बाइक को इधर घुमा लिया है। घुमाने के बाद तुरंत ही हम फिर से लौट आया है। तो गाइस मेरे भाई ने बोला चलो इधर, तो हमने आया लेके आया। तो गाइस यहाँ पर देखने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग ने यहाँ पर अपना ट्रैवल शूट वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर जस्ट आया है। तो गाइस हम लोग फिर से बैक किया है। तो बैक करने के बाद आप लोग देखो गाइस यहाँ पर वीर दिल्ली के दिल्ली रहता है, आप लोग भी आइएगा। हाँ यहाँ पर जो पार्वती और शिव जी का यहाँ पर तांडव चल रहा है, ठीक है, आप लोग आइएगा गाइस। यहाँ पर आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा पेड़ा भी देखने को मिलेगा। यहाँ का पेड़ा स्वादिष्ट होता है, मातरबारी का पेड़ा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ गाइस मेरे चैनल पे और भी वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि आप लोग को प्यार ज़रूरी है। अगर आप लोग प्यार दिखाएंगे तो और भी मुझे जो एंकरेज मिलेंगे आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, जय माता दी सुंदरी माँ।